कितना नीचा जा रहे हैं, कितना नीचा सो रहे हैं, आप समझ सकते हैं इनकी दूसरी मानसिकता कैसी है, ये किस टाइप के व्यक्ति हैं। अब आप सब लोग मेरा सहयोग कीजिए, क्योंकि मुझे आपका ही सहयोग चाहिए। शासन और प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, उल्टा मुझे तलाक लेके मेरे बच्चों को छुड़वा के मुझसे ये छुटकारा पाना चाह रहे हैं। बाबू राम जी, आपके खिलाफ सारे एविडेंस मेरे पास हैं, आपके स्वयं के बच्चे हैं, स्वयं की बीवी है, स्वयं का परिवार है, सब देखने वाले हैं। आप मेरे ऊपर कितना आरोप लगाओगे, कितना मुझे बदनाम करोगे। पत्नी ने सोशल मीडिया पर लगाए गंभीर आरोप, तो तलाक के लिए कोर्ट पहुंचे योगी के मंत्री। पिछले दिनों टिकटॉक पर वीडियो वायरल करने वाले योगी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम निषाद एक बार फिर सुर्खियों में है। मंत्री बाबूराम निषाद और उनकी पत्नी नीतू निषाद उर्फ शबनम के बीच का विवाद अब कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। बुधवार को राज्य मंत्री ने प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय में उपस्थित होकर धारा 13 हिंदू विवाद अधिनियम तलाक का मुकदमा दाखिल किया है और तलाक की गुहार लगाई है। इस मामले में अदालत में समन जारी करते हुए नीतू निषाद को आगामी 30 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पत्नी नीतू निषाद ने फेसबुक पर अपने मंत्री पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कई पोस्ट किए थे। सोशल मीडिया पोस्ट में नीतू ने बाबूराम निषाद पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, नीतू निषाद ने पति के खिलाफ लखनऊ के केसरबाग थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन नीतू का आरोप है कि मंत्री के दबाव में पुलिस ने FIR लगा दी। नीतू ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर पति के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने की गुहार लगाई है। नीतू का आरोप है कि शादी के 14 वर्षों से उनके पति उनके साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं। वो ये बराबर कह रही थी कि मेरी जान को खतरा है, अगर इनकी जान को खतरा है तो फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो है हम तलाक देते हैं और तलाक का मुकदमा हमीरपुर की जो है कुटुंब न्यायालय में दाखिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय 24 न्यूज़।